दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो कंप्यूटर सिस्टम है या तो फिर इवन जो हमारा स्मार्टफोन है उसके अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर, कितने सारे एप्लीकेशन पड़े होते हैं जिसकी मदद से हम अलग अलग काम कर पाते हैं। उसके अलावा पूरे इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं उसका अल्टरनेटिव कौन सा है, सेम वही काम करेगा लेकिन फ्री वर्जन में कौन सा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके अलावा कोई एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हो उसमें अपडेट आया वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, या तो फिर किसी एप्लीकेशन के अंदर आप बैन हो गए हो, तो उसकी वजह से आपको उसी का सेम अल्टरनेटिव चाहिए होता है किसी भी तरह का एप्लीकेशन का। जैसे एडोबी का फोटोशॉप आता है, अब अगर फोटोशॉप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा महंगा आता है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं उसका क्रैक वर्जन यूज करते हैं या तो फिर क्या करते हैं कि उसका अल्टरनेटिव जो भी एप्लीकेशन है उसको यूज करते हैं। तो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर हो गया तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है तो एक वेबसाइट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जो कि है alternative2.net। अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो यहां पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन का नाम डालेंगे तो उसके सारे अल्टरनेटिव्स आपको बता देगा। अब जैसे फेसबुक को ले लीजिए, फेसबुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेसबुक के बारे में हमें पता है, लेकिन अगर हमें फेसबुक के जैसे ही कौन कौन से एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, फेसबुक के जैसे वर्क करते हैं इसके बारे में पता करना है तो यहां पर आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। तो वेबसाइट पर आपको विजिट करना है सिंपली alternative2.net के ऊपर और ये सारे काम आप कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि alternative2.net के ऊपर जाकर हम कैसे भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने फोन या तो अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्राउजर के अंदर alternative2.net, या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होम पेज आता है इसका, जो कि alternative2.net का होम पेज है। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे जो पॉपुलर सर्चेस है जिनके यहाँ पे लोग ज्यादातर सर्च करते हैं अल्टरनेटिव, वो सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स 116 यहाँ पे अल्टरनेटिव देखने को मिल जाएगा, एडोबी फोटोशॉप हो गया, नेटफ्लिक्स फ्री स्ट्रीम हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, एडोबी आफ्टर इफेक्ट हो गया, मतलब ये सारे जो भी एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो लोग यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप मोस्ट एप्लीकेशन जो भी यहाँ पे ज्यादा सर्च किए जाते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये सारे ऐप्स जो है कि बहुत ज्यादा सर्च किए जाते हैं, यहाँ पे क्रेव पिक्स है, उसके अलावा यहाँ पे आप खुद से सर्च कर सकते हो, इनके अल्टरनेटिव तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस भी एप्लीकेशन, जिस भी सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव चाहिए उसका आप नाम डाल सकते हो, जैसे फेसबुक डाल देते हैं यहाँ पे, तो फेसबुक यहाँ पे अल्टरनेटिव कितने आप दिखा रहा है, उसके अलावा फेसबुक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बता देगा कौन से अल्टरनेटिव है, यहाँ पे आप डिटेल मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे माइंड्स को आप यूज कर सकते हो फेसबुक की जगह पे, सेम यहाँ पे ऐसे ही रहेगा इसका अल्टरनेटिव जो है माइंड्स, उसका यहाँ पे रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, डिस्पोरा हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप डिस्पोरा को यूज कर सकते हो फेसबुक की तरह से बिल्कुल यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे है जैसे कि मैस्डॉन है, उसके अलावा यहाँ पे और भी मतलब कई सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि फेसबुक की तरह वीके हो गया, उसके अलावा बहुत सारे ट्विटर है, तो इस तरह से एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, फेसबुक की जगह पे इन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो क्योंकि ये फेसबुक की जैसे बिल्कुल काम करते हैं, यहाँ पे इसका रिव्यू भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा किसी एप्लीकेशन को ले लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के अलावा यहाँ पे हम गूगल का जो मैप्स आता है, गूगल मैप्स के कौन से अल्टरनेटिव्स हैं उसके जैसे काम करने वाला दूसरे कौन से एप्लीकेशन है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं गूगल मैप्स, यहाँ पे ओपन मैप्स ओपन स्ट्रीट मैप हो गया, उसके अलावा मैप्स डॉट मी हो गया, तो ये सारे क्या है कि गूगल मैप्स के जैसे ही काम करते हैं, तो आप इन एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, वाज़े हो गया, हेयर वी गो हो गया, तो इस तरह से गूगल मैप्स के जो भी अल्टरनेटिव्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर हम दूसरे किसी और एप्लीकेशन के बारे में सर्च कर ले, जैसे कि कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं, जैसे कि हाँ एडोबी का फोटोशॉप ले लेते हैं, एडोबी फोटोशॉप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका अल्टरनेटिव ज़्यादातर लोग को चाहिए ही होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप का यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कोई अल्टरनेटिव तो यहाँ पे गेम को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिनिटी फोटो हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्रीटा को, क्रीटा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, और उसके अलावा यहाँ पे हाँ पेंट डॉट नेट हो गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन हाँ फोटोपी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाकर बता रखा है, फोटोपी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही है, पिक्सलर हो गया, पिक्सलमीटर हो गया, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आकर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप आइए इस वेबसाइट पर, और किसी भी पेड़ या फिर किसी और सॉफ्टवेयर का आप यहाँ पे अल्टरनेटिव बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो बस ये था, चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों देखा हमने कुछ इस तरह से आप ऑनलाइन बहुत ही आसानी से अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, और यहाँ पे फ्री वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका फ्री वर्जन अगर आपको मिल जाता है तो उसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।